डाइट चौखाला में संपन्न हुए जिला स्तरीय कला उत्सव 2020 के विजेता अब राज्य स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इन प्रतिभाओं को और निखारने के लिए डाइट चौखाला की तरफ से विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। डाइट चौखाला इन बच्चों में छुपी प्रतिभा को और निखारने और उन्हें कला की बारीकियों से रूबरू करवाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है, ताकि ये प्रतिभागी राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला प्रभारी कला उत्सव संतोष तिमान ने बताया कि डाइट चौखाला ने अब निर्णय लिया है कि वे सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाएंगे, जिसमें इन सभी जज्जों व राज्य स्तर पर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को शामिल करेंगे। इस ग्रुप में ये सभी जज प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को कला की बारीकियों से रूबरू करवाकर उनका मार्गदर्शन करेंगे, ताकि ये सभी बच्चे राज्य स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता ऑनलाइन होने के कारण इन बच्चों के लिए समग्र शिक्षा की तरफ से अनुमति दी गई है कि ये अपने स्तर पर प्रोफेशनल फोटोग्राफर नियुक्त कर लें, ताकि जब भी ये प्रतिभागी अपना वीडियो बनाए वे अच्छी क्वालिटी हाई डेफिनेशन पर बन सके। इसके लिए जो भी खर्च होगा वे समग्र शिक्षा की तरफ से दिया जाएगा। कला उत्सव प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर संगीत गायन में भाग लेने वाले उत्कर्ष ने गत वर्ष भी इसी प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया था। ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर भोपाल में संपन्न हुई थी, जिसमें उत्कर्ष ने हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। उत्कर्ष ने हाल ही में एक एल्बम भी निकाली है जो काफी प्रसिद्ध हो रही है। सर, मैं कला उत्सव के बारे में बताना चाहती हूँ कि इस बार का जो कला उत्सव है कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन ही ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हमारे जिला बिलासपुर से जो 4 और 5 तारीख को ऑर्गेनाइज किया गया प्रधानाचार्य श्री राकेश पाठक जी की अध्यक्षता में, जिसमें हमारे जिला बिलासपुर के लगभग 16 स्कूलों ने, 5 ब्लॉक हैं, ब्लॉक बीआरसी के माध्यम से हमने उनके नाम मांगे थे, तो लगभग 16 स्कूलों के 61 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारे 12 बच्चे जो हैं वो राज्य स्तर के लिए चयनित हुए हैं। इसमें सर ओनली जो राज्य स्तर पर जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे वो हर इवेंट में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वही बच्चे जो हैं वो राज्य स्तर के लिए चयनित हुए हैं। इस कार्यक्रम में हमने 4 जजेस बुलाए हुए थे, तो जिसमें डॉक्टर मनोहर लाल जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज सुजानपुर में, और श्री रामदास जी, और 2 हमारे स्थानीय डाइट के प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश संख्यान जी और श्रीमान संजय शामा जी। इन्होंने सर एक निर्णायक मंडल की बहुत ही सराहनीय भूमिका अदा की, और जो हमारे बच्चे अभी जो 12 बच्चे राज्य स्तर के लिए चयनित हुए हैं उनको अभी डिसाइड किया गया है डाइट की तरफ से कि गूगल मीट के माध्यम से इन 4 जजेस से उनका सही से मार्गदर्शन करवाया जाएगा, ताकि वो राज्य स्तर पर बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें, जो भी कमियां रही होंगी उनको वो पूरा कर सकें। और राज्य स्तर की बात रही सर, तो राज्य स्तर का जो कला उत्सव है उसकी अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है, कल ही हमारी बात हुई वहां पे, तो उसको भी कोविड-19 की वजह से ये देखते हुए निर्णय किया गया कि उसको ऑनलाइन ही गूगल मीट के माध्यम से ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें बच्चे घरों में ही परफॉर्म करेंगे, और उनका जो वीडियो है वो प्री रिकॉर्डेड हम पहले अपने आप पास भी मंगवा लेंगे, उसको हम स्टेट को भेज देंगे, क्योंकि बीच में अगर बच्चे का जो गूगल मीट के माध्यम से जब वो स्टेट लेवल के लिए जुड़ेगा उसका कनेक्शन कट जाता है, तो वो जो स्टेट को हमने वीडियो उनकी भेजी होगी ताकि वो स्टेट में जो बैठे हमारे अधिकारी होंगे वो वहां से उसको प्ले कर सकेंगे। इसकी ये जो स्टेट लेवल का जो कार्यक्रम है सर, इसमें मेन हमारा रहेगा जैसे फोक डांस है, फोक सॉन्ग है, और वोकल म्यूजिक रहेगा, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रहेगा। इनको थोड़ा प्ले करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर बच्चों के पास सही से कैमरा, हाई डेफिनेशन कैमरा नहीं है, तो वो प्रोफेशनल को हायर करके वो वीडियो शूट कर सकते हैं। ये स्टेट की तरफ से हमें डायरेक्शन दी गई है, इसकी डेट जैसे ही आती है वैसे हम अपने जिला में बता देंगे सर। इसका मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में सभी बच्चों को जो हमारे राज्य स्तर के लिए चयनित हुए हैं उनको ऐड किया हुआ है, और सभी बीआरसीज को ऐड किया हुआ है, तो उनकी मैं 1 और 2 दिन में, शायद कल तक मैं गूगल मीट पर अपने जजेस के माध्यम से जो हमारे जिला स्तर पर थे उनके माध्यम से उनका मार्गदर्शन कर